नमस्ते आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथ में वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें क्या ममता दीदी और राहुल गांधी में झगड़ा शुरू हो गया है वे देखिए कहानी बड़ी छोटी सी है कहानी छोटी सी यूँ है कि आपने देखा कि कोलकाता में आर जी कार मेडिकल कॉलेज जो श्याम बाजार में स्थित है वहाँ पर जो जघन्य घटना हुई उसको लेके पूरे बंगाली भद्रलोक में बड़ा रोष है और आपने ये भी देखा होगा कि कल रिक्लेम द नाइट करके जिस प्रकार से एक ज़बरदस्त हॉरर्स ऑफ कोलकाता नाम के हैशटैग के साथ में जिस प्रकार से एक ज़बरदस्त पूरे बंगाल में एक प्रोटेस्ट हुई जिसमें मिडनाइट पे लोग बाहर निकले और प्रोटेस्ट की पूरे कलकत्ता में पूरे कोलकाता में हुई और पूरे बंगाल में हुई सभी जगह शांतपूर्ण रही आर जी कार कॉलेज को छोड़कर जहां पर तृणमूल के गुंडों ने फिर से हमला बोल दिया और उसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं तो इससे पहले जो घटना हुई थी क्योंकि घटना हुए कई दिन बीत गए तो लगातार जो है ये चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पर और लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे थे जो बहुत सारे लोग जो इंडिया अलायंस के सहानुभूति करता भी हैं वो भी इसमें बातचीत कर रहे थे और टीएमसी वालों से पूछ रहे थे कि भाई आप लोग चुप क्यों हैं? तृणमूल कांग्रेस जो छोटी सी छोटी घटना पर इतनी मुखर रहती है उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाए बिहार में कुछ हो जाए मध्य प्रदेश में राजस्थान में कुछ हो जाए तो पूरा आसमान सर पर उठा लेती है पार्लियामेंट चलने नहीं देती है उनके बारह जी हाँ बारह मतलब ग्यारह लोकसभा में और एक राज्यसभा में कुल बारह महिला सांसद हैं और उनमें से सारे के सारे फेविकॉल पी के बैठे हुए तो अजीत अंजुम ने पूछ लिया महुआ मित्रा से और लोगों ने भी महुआ मित्रा से पूछा कि भाई आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं आप तो बहुत मुखर रहती हैं ये फेमिनिस्ट इश्यूज़ पे और ये तो बड़े जघन्य बलात्कार की घटना है क्या कर रही हैं आप तो उन्होंने सबको ब्लॉक करना आरंभ कर दिया और लोगों ने उनका नाम जो है सांसद से बदल के ब्लॉक प्रमुख कर दिया खैर ये तो बात थी लेकिन जब इंडी अलायंस के कांग्रेस के जो पसंदीदा लोग थे उन्होंने भी कमेंट करनी आरंभ की जैसे अजीत अंजुम ने तो डायरेक्ट पूछ लिया रवीश कुमार और बहुत सारे और लोग थे उन्होंने पूरे देश में एक पूरे देश को इसके लिए उत्तरदायी ठहरा दिया उन्होंने टीएमसी का नाम नहीं लिया उन्होंने ममता दीदी का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा कि देश में जो है वो बड़ा ख़राब माहौल है आज राहुल गांधी भी कूद पड़े उसके अंदर भाई तो राहुल गांधी ने देखा कि भाई ये रवीश कुमार ने जो कोचिंग की है उसी हिसाब से बता दो तो रवीश कुमार की कोचिंग के हिसाब से उन्होंने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस घटना की निंदा तो की लेकिन कोलकाता कठुआ और हाथरस उन्नाव ये चार स्थानों का उन्होंने केवल उल्लेख किया तो भाई राहुल गांधी को अब दोनों तरफ से पढ़ना आरंभ हो गया दोनों तरफ से आप देखिए जरा तृणमूल वाले जो हैं वो सारे लोटा डोरी निकल के ले कर निकले आए और राजीव गांधी को सुनाना शुरू कर दिया कि राजीव गांधी तुम्हारी स्टेट्स में विशेषकर राजस्थान में जब इतने सारे केस हुए थे जब पूरा मीडिया और पूरा भारत तुमसे प्रश्न पूछ रहा था तब तुम कहाँ थे और उनका रोष किस बात पे था कि तुमने कठुआ को कोलकाता से कैसे कंपेयर कर दिया कैसे तुलना कर दी और फिर उसके बाद उसको ये भी बताया हालांकि कठुआ का केस फर्जी है आज भी मैं कह रहा हूँ और अंततः फर्जी निकलेगा पूरी तरह से आधा केस तो फर्जी पहले ही निकल चुका है वो महबूबा मुफ्ती का अपना ग्रैंड प्लान था कि किस तरह से पूरे कठुआ क्षेत्र को वहाँ पर इस्लामाइज़ किया जाए और वहाँ से हिंदुओं को खदेड़ा जाए वो अलग बात है लेकिन कठुआ और कोलकाता की तुलना होते ही आप देखिए कि सा, साकेत गोखले जैसे तृणमूल वाले भी कूद पड़े बीच में और उन्होंने राहुल गांधी को पूछ लिया कि वो लाल सिंह जी हाँ लाल सिंह जिन्होंने कटवा रेप केस के फेवर में पूरा एक आंदोलन खड़ा किया था उनको कांग्रेस में शामिल करके टिकट कैसे दे दिया यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो तृणमूल के जो हैंडल्स हैं उन्होंने राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक आरंभ कर दिया तो ये तो एक बात हुई दूसरी तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी वाले वो भी पूछ रहे हैं कि अरे भाई इसमें ममता जी कहाँ रह गई इसमें भाई ये बताइए कि इसमें टीएमसी का नाम क्यों नहीं है आपको कोई दृष्टि दोष है क्या या आपको ये तो दिखा और आपने इसमें यह कह दिया कि सारे कानून खराब हैं निर्भया के बाद भी कुछ नहीं हुआ सभी दलों को मिलकर सोचना पड़ेगा और सबको साथ बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी हाँ जी क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं हाथरस और उन्नाव में तो बहुत कूद के पहुंच गए थे वहाँ पे तब तो इस तरह की बात नहीं की थी कि भाई पूरे देश में दिशा खराब है और जो कुछ भी हुआ है वो पूरे देश की समस्या है सबको बातचीत करनी चाहिए वहाँ हाथरस में तो पहुँच गए थे वहाँ पे तो गिद्ध की तरह और योगी आदित्यनाथ को रिज़ाइन करना चाहिए अब ममता दीदी का रिजाइन क्यों नहीं मांग रहे हो यहाँ पे लेकिन ममता दीदी तो रुष्ट हो चुकी हैं ममता दीदी ने तो अपने हैंडल्स को राहुल गांधी के पीछे छोड़ दिया है लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसमें बैकआउट कर जाएंगे और अपनी सफाई दे, दे देंगे ममता दीदी को देखिए देखिए मैंने कलकत्ता का नाम तो इसलिए लिया क्योंकि गुल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा था उसको थोड़ा सा ठंडा करने की आवश्यकता थी क्यों क्योंकि आज तो महुआ मोहत्रा ने भी उसकी वर्षा कर दी अभिषेक बनर्जी ने भी आर जी कार में जो कल तोड़फोड़ हुई है उसकी निंदा कर दी इसका मतलब पब्लिक का प्रेशर तो काम कर रहा है लेकिन राहुल गांधी के ऊपर कोई असर नहीं है क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा किए हुए यानी कि अयोध्या जिले में किए हुए फदरसा यानी मिल्कीपुर के पास वाला जो है वो अवधेश जिनको उन्होंने राजा बना रखा है अयोध्या का ऐसे होते हैं राजा रावण कभी राजा नहीं हो सकता अयोध्या का तो उसको उसके जो नज़दीकी मोहीद खान ने जो कुकृत्य किया है उसके बारे में कुछ नहीं कहा ना एक शब्द भी नहीं बल्कि पूरी बेशर्मी से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं अच्छा अब डीएनए जांच भी हो गई और करवा लो डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं फिर कन्नौज में उनके जो बगलगीर यानी कि उनके खासुल खास नवाब सिंह यादव वो भी बलात्कार कांड में पकड़ पकड़े जा चुके हैं कोई बात नहीं हो रही वहाँ पे भी ना किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं हो रही पीड़िता जो है दोनों केसेस में वो पिछड़ी जाति के हैं लेकिन नहीं राहुल गांधी उस पर चुप हैं ममता दीदी का नाम नहीं ले रहे हैं का नाम नहीं ले रहे लेकिन ममता दीदी जो है उसके बाद भी उनके ऊपर जो है वो पूरा लोटी डोर लेके लोटा डोर लेके सवार हो गई हैं स्वयं तो कुछ नहीं कहा है लेकिन उनके चमचों ने पूरी तरह से राहुल गांधी के ऊपर आक्रमण आरंभ कर दिया है तो इससे हम क्या समझें इससे हम क्या समझें कि भाई राहुल गांधी और ममता दीदी का जो भी तारतम्य था तादात में था वो टूट जाएगा अभी कह नहीं सकते लेकिन राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज कुछ दिनों से देखी जा रही है जिसमें अत्यंत अहंकार का भाव है और उसमें उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे कि बांग्लादेश में हसीना सरकार उन्होंने गिरा दी उन्होंने तो क्या जो उनके जो चलाने वाले हैं यानी ये जो हमारी वाली कठपुतली है राहुल गांधी का नाम की उस कठपुतली को चलाने वाले जो पपेटियर्स हैं यानी कठपुतली चलाने वाले उन्होंने निश्चित रूप से हसीना वाजिद को हटाने में अपना रोल प्ले किया है तो इनको बहुत अधिक कॉन्फिडेंस आ रही है कि भाई उसी प्रकार का कार्य जो है वो भारत में हो सकता है क्या कहे भाई मूर्ख हृदय नचेत चह गुरु मिल ही विलन सब उनको तो ये पता नहीं चल रहा है कि भारत में 28 राज्य हैं बांग्लादेश की तरह एक राज्य नहीं है बांग्लादेश तो बेचारा उड़ीसा से भी छोटा है इसलिए वहाँ तो केवल प्राइम मिनिस्टर होता है वहाँ बीच में कोई होता नहीं है तो सीधा सीधा जो कुछ भी यदि रोश होता भी है और तो वैसे तो जो भी मैन्युफैक्चर था या जो कुछ भी था होता भी है तो वो पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है वो झेलती है उसके बाद फिर कहीं जाके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास बात आती है ऐसा कुछ यहाँ दिख तो रहा नहीं है कोशिश तो ये ज़रूर करेंगे ये लगाएंगे इन्होंने पहले ही कह रखा है कि हमने पूरा केरोसिन फैला रखा है लेकिन अब ये जो केरोसिन फैला रखा था उसमें एक्सीडेंटल आग लग गई जाके पश्चिम बंगाल में अब पश्चिम बंगाल के इस आग से जो झुलस रही हैं ममता दीदी उन ममता दीदी के साथ में खड़े होने के बजाय यदि आप इस तरह के लूज कमेंट्स करोगे ममता दीदी की दृष्टि में ममता दीदी की दृष्टि में हमारी दृष्टि में नहीं हमारी दृष्टि में तो ये है कि भैया तुमने पूरी कमेंट क्यों नहीं करी तुमने नाम क्यों नहीं लिया ममता दीदी का लेकिन ममता दीदी तो रुष्ट हो गई और ममता दीदी का रोष जो है वो उसका कोई लॉजिक नहीं होता है अब आप कि ममता दीदी कह रही हैं कि वो सत्रह तारीख को प्रोटेस्ट निकालेंगी ममता दीदी चीफ मिनिस्टर हैं लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है इस पूरे आर जी कार मेडिकल कॉलेज सामूहिक बलात्कार कांड में जो कुछ भी गड़बड़ हुई वो तो या तो पुलिस के द्वारा हुई क्योंकि पुलिस ने जो है वो उल्टी पुलटी धाराओं में केस रजिस्टर किया जो उपद्रवी थ, जो बलात्कारी थे उनको बचाने का प्रयास किया या फिर जो वहाँ के और प्रिंसिपल था मेडिकल कॉलेज का वो सब लोग थे प्रिंसिपल को हटाया गया अगले दिन उसको जो है वो नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया ये काम किसने किया हेल्थ मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्टर कौन है ममता दी स्वयं होम मिनिस्टर कौन है ममता दी स्वयं तो ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ़ निकालेंगी होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ तो खैर ये तो नाटक सब होते रहेंगे लेकिन राहुल गांधी तुम्हारा एक कॉमेंट भी जो है वो भारी पड़ सकता है कलह तो आरंभ हो गई है अब ये कलह कहाँ तक जाएगी ये देखने वाली बात है जय हिंद जय भारत वंदे मातृ